नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ब्राजील फुटबॉल की दुनिया की सबसे ताकतवर टीम, एक समय ब्राजील का दबदबा रहता था। ऐसे ऐसे ब्राजील के टीम में फुटबॉलर थे जो अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखते थे, पर 21वीं सदी में ब्राजील का दबदबा कम हुआ है। पिछले 4 विश्व कप से ब्राजील खाली हाथ लौट रहा है। आखिरी बार साल 2002 में ब्राजील ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। ब्राजीली टीम ने साल 1958 में अपना पहला विश्व कप खिताब जीता था। 1958 का विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक और स्पेशल रहा, क्योंकि इसी विश्व कप में पहली बार दुनिया ने पेले की प्रतिभा को देखा था। साल 1958 के विश्व कप में जस्ट फोंटेन ने सर्वाधिक 13 गोल जरूर दागे थे, पर ये विश्व कप पेले के नाम से कहलाया। महज 17 साल की उम्र में पेले ने विश्व कप में गोल किया था और सबसे कम उम्र में विश्व कप में गोल दागने का रिकॉर्ड भी बनाया। आज 29 जून है और आज ही के दिन ब्राजील ने फाइनल में स्वीडन को 5-2 के अंतर से हराकर पहली बार फीफा विश्व कप खिताब जीता था। आइए थोड़ा विस्तार से आपको उस विश्व कप के फाइनल की कहानी बताते हैं। मैच शुरू हुआ और 4th मिनट में ही स्वीडन के खिलाड़ी ने गोल दाग कर 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन स्वीडन के फैंस के चेहरों पर खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। गोल के 5 मिनट बाद ही ब्राजील के वावा ने गोल दाग कर स्कोर को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। वावा यही नहीं रुके और उन्होंने 32वें मिनट में एक और गोल दाग कर ब्राजील को बढ़त दिला दी। पहले हाफ तक ब्राजील ने 2-1 की बढ़त बना रखी थी और दूसरे हाफ में ब्राजील ने मौका नहीं गवाया और लगातार प्रेशर बनाए रखा। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही यानी 55वें मिनट में पेले ने गोल दागकर स्वीडन के हौसले पस्त कर दिए। इसके बाद 2 और गोल ब्राजील ने दागा, जिसमें से एक और गोल 90वें मिनट में जाकर पेले ने दागा था। ब्राजील ने फाइनल मैच 5-2 के अंतर से जीत कर इतिहास रच दिया। फाइनल में पेले ने 2 गोल दागे थे और वावा ने भी 2 गोल दागे थे। पेले उस विश्व कप में ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा 6 गोल दागने वाले फुटबॉलर थे और इस विश्व कप के साथ पेले ने कई रिकॉर्ड्स भी कायम किए थे। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।